जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के बाद इस समय सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी में हैं। तो वहीं जंगलों में छिपे एक एक आतंकी की तलाश की जा रही है। डोडा के भाटा इलाके में रात को 11 बजे एक बार फिर से आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और इसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में यह वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा में भारतीय सेना पर हमला किया था। और अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हमले में चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। पूरा देश डोडा में शहीद हुए वीर सपूतों को अंतिम सलामी दे रहा है। शहीदों के घर में मातम है। तो देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर ये है कि अब जम्मू में हो रही आतंकी साजिश में ड्रैगन भी शामिल हो चुका है। 2022 और 2023 में जम्मू क्षेत्र में तीन तीन आतंकी हमले हुए थे, लेकिन साल 2024 में अभी तक ऐसे 6 हमले किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे क्या वजह है? क्या ये पाकिस्तान और चीन की साजिश है? आखिर चीन ने जम्मू में आतंकी वारदातों में पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? ये बड़ा पर्दाफाश आपको बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। खुद को कश्मीर टाइगर्स कहने वाले आतंकी गीदड़ों का गैंग डोडा के इन्हीं जंगलों में दुबक कर बैठा है। दर्जन भर दहशतगर्दों का जत्था ऊंचे पहाड़ों में बनी गुफाओं में जान की खैर मना रहे हैं और हमारे जवान इन्हें जहन्नुम भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है और इसमें चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के शुरुआत से दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां बढ़ गई। इसी साल अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इन दोनों बातों में एक सीधा कनेक्शन है। चीन और पाकिस्तान जानबूझकर इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दरअसल भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए ये तैयारी हो रही है, ताकि दोनों देश ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता सकेंगे कि ये इलाके बेहद अशांति और अस्थिर थे, इसलिए ये हमले करने पड़े। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले चीन के सरकारी अखबार वीएन वीपो ने आकलन किया है कि अगले 11 सालों में यानी 2035 तक तीन युद्ध होने हैं। इनमें से एक हमला भारत पर होगा। इसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर युद्ध करेंगे। टू फ्रंट वॉर होनी है, जिसके तहत चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जंग छेड़ेगा और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ेगा। यही वजह है कि जम्मू में आतंक फैलाने के लिए चीन अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। जम्मू में घुसपैठ कर आए पाकिस्तानी आतंकी चीन में बने ऐप के जरिए दहशत फैला रहे हैं और इनके पास चाइनीज इक्विपमेंट हैं, जिससे आतंकी लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रह सकें। हिस्टोरिकली देखें और आज ग्राउंड के ऊपर जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मरे हुए चाहे उनके पास जो हथियार है, उनसे देखकर पता चल रहा है कि पाकिस्तान को जो हथियार चाइना से मिलते हैं वो डेफिनेटली पास ऑन होते हैं वो टेररिज्म को आम करने के लिए। पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि किसी भी तरह के हथियार वो उसको देगा, क्योंकि वो खुद एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में है, एक ब्रेकडाउन पर है कि वो उनको खरीद कर नहीं दे पाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की योजना को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आतंकवादी संगठनों को लग रहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में आम चुनाव करवाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए।
चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी खून खराबा क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि वहां मौजूद आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर की कमान पूरी तरह से पाकिस्तान सेना ने अपने हाथ में ले ली है और आतंकवादियों को लड़कर भागने के लिए नए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तानी आतंकी की साजिश का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक भारतीय सीमा में घुसने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन आतंकवादियों के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद झुंझुनू के दो जवानों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। देखिए इसी पर रिपोर्ट। शहीद अजय सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झुंझुनू के दो वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जवानों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ और सभी की आंखें नम रही। ये गोली जो चली थी ये अजय और बिजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन दो योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें, एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपने शरीर को, मस्तिष्क को हर तरह से मजबूत करें। भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान या जो भी आतंक को फैलाना चाहता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद बिजेंद्र सिंह दौराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खूबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भैसावता कला के रहने वाले थे। बिजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। वहीं बिजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। पंद्रह जुलाई को आतंकी हमले में दोनों जाबाज शहीद हुए थे। जम्मू के डोडा जिले में डेसा जंगल के धारी गोटे उरार बागी में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्च ऑपरेशन जारी थी। इसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। भारतीय सेना के जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात करीब 9 बजे फिर गोलाबारी हुई। इसमें बिजेंद्र सिंह और अजय सिंह समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बिजेंद्र और अजय सेना में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। आज उनके शहीद होने पर भले ही सभी की आंखें नम हो, लेकिन सभी फक्र के साथ उन्हें सलाम कर रहे हैं।